वीडियो के खत्म होने से पहले कमेंट मत करना वरना गिव अवे छूट जाएगा भाई। तो अभी मेरे पास एक माइक है जो कि है फिफिन का A6V, पता नहीं वी है कि फाइव है। बाकी मैंने सोचा नहीं था कि एक माइक का डब्बा भी इतना छोटा हो सकता है दूसरों के मुकाबले। भाई दूसरों के डब्बे तो काफी बड़े बड़े आते हैं। फिर भी देख लेते हैं अंदर कैसे फिट कर रखा है इसमें माइक। तो ऊपर की साइड एक यूजर मैनुअल मिल जाएगी जिसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली आपको। लेकिन यूजर मैनुअल तो कम से कम इतनी बड़ी है जितना बड़ा माइक का डब्बा होता है। चलो साइड में रखते हैं इसको। बाकी अंदर की साइड एक प्रोटेक्शन जिसकी कभी भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। और एक आती है हमारे पास ये वाली केबल। यही एक सिंगल केबल इसमें लगने वाले जो कि सी टाइप केबल है। साथ में काफ़ी लंबी भी केबल मिल जाएगी और क्वालिटी के हिसाब से तो बिल्कुल बढ़िया है। एक तरफ USB है दूसरी तरफ सी टाइप है। चलो इसकी वैसे अभी जरूरत नहीं है, डब्बे के अंदर देख लेते और क्या क्या मिलने वाला है। तो डब्बे में हमारा माइक कुछ इस तरीके से फिट किया हुआ है जो कि सारी चीज़ें इसी के अंदर लगी हुई है। शोक माउंट वगैरह सब कुछ इसी में लगा हुआ है। वैसे माइक तो प्लास्टिक का है पर बाकी चीज़ें एल्युमिनियम वगैरह की बनाई हुई है जैसे जाली वगैरह है। लेकिन अगर मैं फीचर की बात करूँ तो भाई इसके अंदर म्यूट का बटन मिल जाएगा ऊपर की साइड और नीचे की साइड गेन का नोब मिल जाएगा ताकि आप गेन को कम ज़्यादा कर सको। ये फीचर सही बताऊँ एमरजेंसी में बहुत काम आते हैं। बाकी इसमें माउंट अटैच करने के लिए भी है। तो डब्बे के अंदर एक लास्ट चीज़ और मिलती है जो कि हमारा टेबल माउंट। वैसे तो एक टेबल माइक है और उसी के हिसाब से इस टेबल माउंट को बहुत ज़्यादा भारी बनाया गया है। और दूसरी वजह इस माइक को प्लास्टिक का बनाने का रीज़न भी यही है ताकि ये गिरे ना, नहीं तो अगर माइक भारी होगा तो टेबल पे संभलेगा कैसे भाई। तो इसको लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस अपना माइक लो और यहाँ से बस इसको घुमाना शुरू कर दो। बस घुमाना ही है और कुछ नहीं करना, माइक बिल्कुल सेट हो जाएगा। वैसे दोनों मिला के काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाता है और साथ में एक नोब भी दे रखे ताकि हम इसको ऊपर नीचे एडजस्टमेंट कर सके। वैसे ये चीज़ होनी भी चाहिए क्योंकि हमें एडजस्टमेंट की जरूरत तो पड़ती है। तो बाकी सेटअप कर लेते हैं जिसके लिए मेरे को केबल चाहिए। और केबल का जो सी टाइप वाला हिस्सा है ना वो इसके सी टाइप वाले पोर्ट में लगने वाला है जो कि माइक के अंदर ही है। बस यहाँ पर ये वाला पोर्ट लगा देना है। और सही बताऊँ ये प्लग एंड प्ले माइक है पूरा का पूरा। इसमें कोई सॉफ्टवेयर वगैरह की जरूरत नहीं है। बस आपको करना क्या है, अपनी केबल लेनी है और इस केबल को अपने PC में लगा देना है। मतलब डायरेक्ट चल जाएगा, किसी चीज की भी जरूरत नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं ये माइक उन लोगों के लिए जिनका बजट काफी ज्यादा कम है, उनको प्रीमियम फीचर चाहिए जैसे म्यूट का चाहिए, गेन वगैरह का चाहिए और RGB भी चाहिए। तो अभी जो मेरी ऑडियो सुन पा रहे हो बिल्कुल रो ऑडियो है। और इसकी सबसे खास बात पता क्या है, मैं इतनी दूर से भी बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि इतनी दूर होगा तो भी मैं बोल सकता हूँ, बिल्कुल सही काम कर रहा है। और इसकी एक खास बात पता क्या है कि नीचे ही आवाज का मतलब कि गेन का है, गेन नहीं है, एक तरीके से कम ज्यादा कर सकते हैं हम इससे। मतलब जो रिकॉर्डिंग ऑडियो है उसको कम ज्यादा करने वो भी कर सकते हो। और सबसे खास बात यहाँ से बस मैं ऐसे टच करूंगा, ऐसे अनम्यूट, ऐसे म्यूट म्यूट, ये चीजें ना सही में बहुत काम आते हैं। और इतने कम प्राइस में अगर ये चीज मिल रही है तो बहुत सही चीज है। और जो इसकी RGB है, RGB तो भाई बदलती रहती है अपने आप, इसको करने का ऑप्शन अभी है नहीं। मैंने इसकी पढ़ी थी किताब, उसमें भी एडजस्ट, तो मैंने इसकी किताब पढ़ी थी उसमें कुछ भी नहीं है भाई इसकी RGB को लेके। इसमें RGB है बहुत बढ़िया वाली, लेकिन इसको एडजस्ट नहीं कर सकते, ऐसी ही चलती रहेगी। बाकी इसके फीचर्स है ना इतने तगड़े, इसमें म्यूट का बटन है, गेन का भी बटन है और सारी चीजें मिला के ये माइक सही में बहुत सही है प्राइस के हिसाब से खास करके। और आवाज भी इसकी काफी बढ़िया है। चलते हैं भाई अपने सबसे फेवरेट हाइव सर्वर पे, टेस्टिंग भी तो कर ले। वैसे यहाँ पर सब कुछ बदल गया है, ये देखो भाई क्या बढ़िया होना रखा है। ये एक पोर्टल है, सही अच्छा लग रहा है यार। ओ मैं कहीं घुस गया, गलत बात है भाई, मेरे को जाना ही नहीं था वहां पर। मेरे को तो जाना था क्या क्या भाई, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। मेरे को डेथ रन में जाना था भाई क्योंकि मैं यही खेलता हूँ, मेरे को यही बढ़िया लगती है। डेथ रन का एक रूल होता है भाई कि बस भागते रहो बच बच के। यहाँ पर मारने वाले भी लोग होते हैं लेकिन बस बच बच के पार्कोर करते करते ऐसे चलते रहो। हमारे पास ऐसे भी प्लेयर आएंगे जो सामने वाले हैं और क्या पता यही ऐसे बन जाए जो हमें मारने वाले हो जाए भाई। भाई कुछ भी हो सकता है और तगड़े प्लेयर भी आते हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं कि यही आएंगे। और देखो मैं टॉप पे पहुँच गया और एक बंदा वहाँ पर भी है, अगर मैं वहाँ पहुँच जाऊँ तो क्या होएगा। आजा भाई, मैं अगर यहाँ पहुँच जाऊँ तो मैं वो बन जाऊँगा क्या, क्या बनूँगा मैं, ठीक है दो वोट। अच्छा जूम में करने वाले हैं, ओके चलो देखते हैं अभी मैं क्या बनने वाला हूँ। शायद से मैं रेस में आ गया हूँ, हाँ वो चले गए वहाँ पर, तो जो मारने वाले लोग हैं वो उस तरफ है और हम हैं रेस में और रेस शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा बच के क्योंकि अभी तीर वीर चल रहे हैं भाई, बस बच गए। अब ये लोग जो आ रहे हैं ना पीछे ये ही दिक्कत करेंगे हर चीज़ में, इनके लिए हर चीज़ में शॉर्टकट वगैरह सब चीज़ है। चलो भाग लो अब, और यही हमें रोकने वाले हैं बहुत ज़्यादा। भागते रहो कोई दिक्कत नहीं है, जब तक मैं इनके साथ हूँ ना कोई दिक्कत नहीं होने वाली।
से ही मेरे को दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग इन्हीं को ही मारने के लिए आ रहे हैं, और ये जब तक मरते रहेंगे जब तक बढ़िया। और वे आगे जा रहे हैं ना, इसका मतलब चलते रहो। और अरे यार वो खड़ा हुआ था बंदा यार, मैं सोच रहा हूँ कुछ नहीं करेगा भाई यार, उसने छोड़ दिया, बम फोड़ दिए। ये लो भाई, ठीक है निकल लो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अरे यार रास्ता बंद करने की कोशिश, हट जा भाई, जाने दे। ओके अभी मैं थोड़ा सा आगे आ गया हूँ, और यहाँ पर अभी कोई नहीं है। ये देखो पगलेट आदमी है, रोकने के लिए बैठा हुआ है ताकि ये रोक सके, और इसको लग रहा है कि इससे रोक पाएगा। नहीं भाई यहाँ पे रोकेगा ये, ओ बच गया मैं, और यहाँ रोक सकता है भाई। मैं बहुत बुरा मरा हूँ अभी, उसने वहाँ दीवार लगा दी थी और मैं मर गया था भाई। ये बंदे बड़े बेकार होते हैं। ये देखो ये यहीं पे खड़ा हुआ है अभी, अच्छा भाग गया हो। वो टेलीपोर्ट भी हो सकता है भाई, कहीं भी जा सकता है। ये दीवार वाला सिस्टम ना सही में बहुत बेकार है। चलो चलते रहो, अब कोई दिक्कत नहीं है। एक नीचे खड़ा था, ओ मैंने देख लिया था, उसे दिख गया था मुझे। ओ यार ये देखो ये खड़ा हुआ बंदा भाई इंतजार में, ओ फोड़ दिया उसने। अरे भाई दूर रहना था भाई, ये तो गलत चीज़ है। ये बंदे अगर खड़े रहते हैं ना तो दिक्कत है भाई। चल ऊपर हो ले, ओ भाई पानी से भी बचना था यार, कितनी चीज़ें करनी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी है। चलो कोई नहीं, चल ऊपर चल, चलते रहो धीरे धीरे, हट जा भाई। मैं पहुंचने ही वाला हूँ जल्दी। ओ ये खड़ा हुआ बंदा भाई, गलत बात है। चलो शायद से मैं आ गया, आ गया, और यहाँ पर भी कोई बंदा नहीं खड़ा हुआ, और गेम ओवर हो गया। वाह भाई मेरे को अंदर तो जाने देते यार, सही में मैं बहुत जल्दी इसमें स्पीड में पहुंच सकता था, लेकिन दिक्कत हो गई और ये तीन बंदे जीत गए। वाह भाई, और यहाँ पर भी कोई पार्कर था? हाँ था तो सही, देखा था मैंने। काम करते हैं, निकल लो यहाँ से। तो आपको आवाज़ आ रही होगी, आपको वैसे ही पता चल रहा होगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है। भाई सही बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया क्वालिटी है इसकी। मेरा जो दूसरा माइक है ना उससे कंपेयर करें तो उस प्राइस पे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी, और फीचर्स भाई बहुत दबके हैं इसमें। मैंने सोचा नहीं था भाई कि इतने में एक का बटन भी आ सकता है, और साथ में गेन वगैरह भी हम कर सकते हैं इसी में रह के। तो अब आ जाते हैं गिव अवे को लेकर। अगर आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है ना तो वीडियो के नीचे कमेंट करना, और ये बताना कि आपको ये माइक क्यों चाहिए। और जितने भी लोग होंगे उनमें से दो लोगों को मिलने वाला है ये माइक, और जल्दी ही मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा इस चीज़ के लिए ताकि मैं अनाउंस कर सकूं माइक के लिए। और जिसको ऐसे ही खरीदना है वो जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकता है, वहां से जाके इसको खरीद सकते हैं भाई।